देखिए चौबे जी से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री जी, उनसे हम संतुष्ट हैं। 10 वर्षों से लगातार बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे जी हैं। बाबा जी क्या लगता है, बाबा जी इस बार भी बाबा जी को लाइएगा? इस बार हम लोग नहीं चाहते हैं, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बाबा जी को कोई नहीं चाहता है। और ये चोर जो ये सांसद है, राति में आते हैं जाति में चले जाते हैं, ये लेके भागलपुर चले गए, यहाँ कोई विकास नहीं है, इनसे पिछले बेहतर थे। आते हैं राती में और चले जाते हैं जाति में। अच्छा चौबे जी, चौबे जी बस में बीजेपी के आदमी नहीं है तो क्या किसे बात कर रहे हैं? मैंने नेता होता नहीं है ना? नेता नहीं हूँ लेकिन बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता है। तब कार्यकर्ता है तभी बताइए, आपके नेताजी से आपके सांसद महोदय से तो यहाँ का जनता नाराज है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? भाग गए भागलपुर, एम्स लेकर भाग गए भागलपुर। तो इन तीनों चेहरा में किसको चुनना पसंद करेंगे? वो आसमानी बाबा को क्यों चाहेंगे? फिर वो भी बनने के बाद विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो विकास क्या नहीं करेंगे, आसमानी नहीं नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये करेंगे। एक है मंगल पांडे जी, एक मनोज तिवारी है और एक डॉक्टर मनोज कुमार है जो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो वही डॉक्टर मनोज कुमार को चाहिए। कैसे उस पर कैसे उन पर भरोसा आप लोग जताएंगे? आगे हम लोग विश्वास किए, आज भी करेंगे। कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जनता से भी जानेंगे, आपसे भी जानते हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं तो यहाँ के विकास के बारे में भली भांति आप जानते होंगे। और क्या क्या यहाँ पर विकास नहीं हुआ? आपको क्षेत्रीय नेता चाहिए या फिर बाहर से कोई आए यहाँ पर सांसद बने? नहीं, हम लोग का क्षेत्रीय नेता रहेगा तो अच्छा काम करेगा। केंद्र में किसकी सरकार और क्षेत्र में क्या चाहते हैं सांसद महोदय जी? को बदलाव चाहते हैं कि फिर से वही चेहरा चाहते हैं? पहले तो केंद्र की बात करते हैं, क्या फिर एक बार मोदी सरकार? बिहार में लालू को चाहते हैं। हाँ। और केंद्र में तो जो अच्छा काम करेगा। आपके नज़र में कौन अच्छा काम कर रहा है? अरे तो पहले के तो अटल बिहारी वाजपेयी बढ़िया थे। हाँ। आज का मोदी जी लोग कर रहे हैं। आपके नज़र में कौन है, लोग क्या कर रहे हो? छोड़िए, रेलवे में जो वैकेंसी आया हम लोग पूरा, मेरा स्टूडेंट छात्र संघ पूरा आंदोलन किया, 6000 वैकेंसी सा 6000 से बढ़ाकर 9000 किया गया। जब जब छात्र आंदोलन करेगा तभी होगा। नीतीश कुमार जी फिर एक बार आ गए एनडीए के साथ, अब उधर ममता बनर्जी कलकत्ता में बगावत कर दी, उधर कांग्रेस से केजरीवाल बगावत कर रहे हैं, तो एकजुटता तो दिखी नहीं रही है, तो राहुल गांधी कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए ना वो अपने दम पर लड़ने के लिए पूरे इंडिया को भ्रमण कर रहे हैं, रैली पूरा कर रहे हैं कि भाई यहाँ की जनता क्या चाहती। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हम बक्सर लोकसभा में पहुंच गए हैं और ये बक्सर के दिनारा विधानसभा है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अभी हम पहुंचे हुए हैं। आइए, हमारे साथ कुछ चाचा लोग हैं, इनसे जानेंगे कि बीजेपी के जो वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे जी है, 10 वर्षों से लगातार हैं, उनसे कितना जनता नाखुश है और कितना खुश है उनके विकास को लेकर। आइए पहले हम जानते हैं, हम चाचा से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? आइए आइए चाचा, आइए अगर जीवन आप ही आइए ना आगे। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनेश्वर साह गोपाल जी है। 10 साल बीजेपी के तरफ से चौबे जी लगातार सांसद के पद पे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है, डेट बस होना फाइनल है, 10 सालों में क्या उनसे आप संतुष्ट है? देखिए चौबे जी से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री जी, उनसे हम संतुष्ट हैं, इसलिए हमको वोट तो भाई देना जरूरी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर ये चेंज हो जाता सीट उनका और दूसरा आता नया आदमी तो अच्छा होता। अच्छा नया चेहरा का आप भी मांग कर रहे हैं? हाँ, नया चेहरा आ जाता तो और अच्छा होता, चूँकि यहाँ का लिए है कि वो आते हैं जाति में और चले जाते हैं, आते हैं राती में और चले जाते हैं जाति में। अच्छा चौबे जी अश्विनी कुमार चौबे के लिए बात मैं आगे विकास को लेकर यहाँ पर क्या क्या अभी परेशानियाँ हैं जिसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं 10 सालों से लगातार है, यहाँ का विकास की अगर बात करते हैं? विकास के लिए तो यहाँ प्रधानमंत्री खुद एम्स हॉस्पिटल के लिए विदा किए थे और वो लेकर चले गए भागलपुर, एम्स लेकर भाग गए भागलपुर। क्या बोले? जहाँ यहाँ प्रधानमंत्री साहब एम्स दिए बक्सर के बनाने के लिए, और ये चोर जो ये सांसद है राती में आते हैं जाति में चले जाते हैं, ये लेके भागलपुर चले गए, यहाँ कोई विकास नहीं है, इनसे पिछले बेहतर थे। तो क्या लगता है, तो फिर क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? हराना है इनको, जीतने नहीं देना है। क्या बात करते हैं, मोदी जी को हराइएगा? मोदी जी से मतलब है कि इनको से मतलब है? बीजेपी चाहेंगे ना? मोदी जी से मतलब नहीं है। अच्छा तो नया चेहरा का अगर बात करें, हाँ देखिए पार्टी को देना है टिकट, हम टिकट नहीं देते। तो नया चेहरा का भी नाम तीन को जो पार्टी में काफी लंबे समय से हैं बीजेपी में, नाम आ रहा है, एक मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे,
और उसके बाद आपका मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद थे, और एक है डॉक्टर मनोज कुमार जो आप ही के क्षेत्र से आते हैं। तो इन तीनों चेहरा में किसको चुनना पसंद करेंगे? हम चुनना पसंद करेंगे जब हमारे क्षेत्र के मनोज कुमार जी हैं जो नरबंगा नियाजीपुर के हैं, हमारे घर के हैं, वो हमारे विकास करेंगे क्षेत्र को, हम उनको नहीं चाहेंगे, वो आसमानी बाबा को क्यों चाहेंगे? फिर वो भी बनने के बाद विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो विकास क्या नहीं करेंगे? आसमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? करेंगे, हम दावा है कि करेंगे। इनसे बेहतर से जगदानंद सिंह 2009 से 2014 तक जो सांसद थे, यहाँ 25 बार बने दिए, 25 लाख रुपए दिए बेटियों के स्कूल में, कॉलेज में दिए, वे शिक्षा और सिंचाई पर ध्यान देते हैं, और ये आसमानी बाबा आसमानी में चलते हैं, रहते नहीं है धरती पर। आज तक तो हम लोग चेहरा नहीं देखे। क्या चाहते हैं आप भी इस बार जो वर्तमान के सांसद जी आइए ना, वर्तमान के जो सांसद जी, हाँ ले रहे हैं, वर्तमान के जो सांसद जी है उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप? उनसे संतुष्ट नहीं है, हम लोग उनको चेंज किया जाए, हम वो ही अच्छा है। 24 में क्या लगता है फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगा? सरकार बनेगा। अरे इंडी गठबंधन उधर बन गया है मोदी जी को तोड़ने के लिए ना, तो इंडी गठबंधन तो खत्म हो गया, टूट गया वो, टूट अभी भी जोड़ आजमा रहा है। आजमाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि फिर से एक बार अश्वनी चौबे जी सांसद बने यहाँ के, या नए चेहरा के आप लोग ही मांग कर रहे हैं? नए चेहरे की मांग करते हैं। नए चेहरे में तीन लोग आ रहे हैं अभी आजकल नाम चल रहे हैं चर्चा में, जो काफी लंबे समय से बीजेपी में जुड़े हुए हैं, एक है मंगल पांडे जी, एक मनोज तिवारी है, और एक डॉक्टर मनोज कुमार है जो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो वही डॉक्टर मनोज कुमार को चाहिए। कैसे उस पर कैसे उन पर भरोसा आप लोग जताएंगे? आगे हम लोग विश्वास किए, आज भी करेंगे। हमारे साथ देखिए चाचा है, बुजुर्ग है चाचा, थोड़ा सा चाहेंगे कष्ट करेंगे उठा देने के लिए। पहले तो अपना नाम बता देंगे। हमारा नाम गुप्तेश्वर जी है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सांसद महोदय जो भी आए सेंटर, अभी वर्तमान की जो सांसद है उनसे आप कितना संतुष्ट है, उनके विकास को लेकर उनसे आपकी कितनी लगाव है, पार्टी को आप कितना जानते हैं, प्रधानमंत्री से लगाव है या सांसद जी से ज़्यादा लगाव है? हमें पार्टी और सांसद महोदय से भी लगाव है, बस मैं बीजेपी के आदमी नहीं है तो क्या किसे बात कर रहे हैं? मैंने नेता होता नहीं है ना? नेता नहीं हूँ लेकिन बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता है। तब कार्यकर्ता है तभी बताइए, आपके नेताजी से आपके सांसद महोदय से तो यहाँ का जनता नाराज है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हम लोग लड़ाई सेंट्रल में जो चेहरा है वो क्षेत्र को थोड़ा हम लोग उनका एक प्लस करने के लिए लड़ेंगे, कि हमारा बक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद बढ़ें जो हम 400 पार करें, इसलिए कोई भी आए, लेकिन हम सांसद महोदय से आपके माध्यम से ये निवेदन जरूर करूंगा कि यहाँ ये देखिए सबसे बड़ी तालाब है, यहाँ एक ही जलाशय है। अच्छा। और सारे गांव का 3 फरलांग की दूरी से पूरे कचरा पूरब से आता है, उत्तर से दक्षिण से, और सारे पानी उसी में कचरा गिरता है, उसी तालाब में गिरता है, और फिर उसमें छठ घाट होता है बिहार का जो लोक आस्था का, मतलब उस तालाब में नाले की पानी गिरता है, पूरा जितना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जितना भी नाले हैं उसी तालाब में गिरता है, NH-19 का सब जितना भी है। इसको लेकर सांसद जी से मांग किए थे? अभी हम मांग नहीं किए, अभी नेशनल वाले से हम कंप्लेन के लिए अभी मिले नहीं लोग, कि मान लीजिए कि भाई उसको बनाइए या तो उसमें पाइलिंग करिए और नाला 4-6 फीट का दीजिए ताकि उस छोर में पानी चले और जलाशय का जल है वो शुद्ध रहे, पशु पीता स्नान होता है, छठ घाट होता है। चलिए ये तो हो गया आपका जो आप तालाब है उसके लेकर मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या क्या ऐसी जरूरत है जो सांसद महोदय नहीं किए हैं, और जो नए चेहरे जो भी लोग आएंगे उनसे आप क्या मांग, एक भी आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जनता से भी जानेंगे आपसे भी जानते हैं क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ के विकास के बारे में भली भांति आप जानते होंगे, और क्या क्या यहाँ पर विकास नहीं हुआ है? मैं जो भी चेहरा है मैं अपने नगर दिनारा नगर के लिए, पहले तो जल का निकासी नहीं है, पहला मांग हो गया। हाँ, जल का निकासी पूरे ग्राम हो, थाना हो या ब्लॉक हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें वर्षा काल में बाढ़ आ जाती है जिसका अभी तक निष्पादन नहीं हुआ। सांसद महोदय भी कई एक बार बोले कि मैं करा दूंगा, हमारे विधायक महोदय लोग भी किए लेकिन अभी तक इसका निवारण अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है शिक्षा का, जो शिक्षा का स्तर है ये हाई स्कूल है, उसमें हमारे नेतागण आते हैं तो उसमें पक्की रोड और ये क्या कहलाता है हेलीकॉप्टर का ये पैड बना देते हैं उतरने वाला, और वो पूरे फील्ड खराब हो गया है। अच्छा, जिसके लिए तो बच्चों लोग की काफी परेशानी होती है। खेल कूद जब खेलो इंडिया का नारा प्रधानमंत्री जी का है तो हमारा फील्ड खत्म हो गया,
इसका नवीनीकरण किया जाए, उसको खोद के उस पत्थर को निकाल के उस फील्ड को मिट्टी और घास से भरपूर किया जाए। और कोई बड़ी मांग? और मेरी यही बड़ी मांग है कि यहाँ पे जो भी हो सांसद महोदय का हुए छठा जो विधानसभा ये क्षेत्र है दिनारा, इसमें उनका प्रवास होते रहे, यहाँ की जनमानस का भी जनता से रूबरू नहीं होते हैं। हाँ थोड़ी सा है। पाँच साल में कितने बार यहाँ आए हैं? कईया के बार आए हैं। मिले हैं कि नहीं आपसे? अरे हमसे मिल लिए तो हम अकेले का करें? हम देखिए देखिए युवा है और युवा ही आगे आने वाला भविष्य को बदलता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार गुप्ता पढ़ता है। किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? अभी हम बीए फाइनल कर लिए हैं। बीए फाइनल कर लिए हैं, एजुकेटेड पर्सन है आप। बताइए 10 वर्षों से लगातार बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे जी, अब बताइए यहाँ के विकास को लेकर आप चौबे जी को क्या फिर से दोबारा 24 में लाना चाहते हैं या नए नेतृत्व की मांग कर रहे हैं पार्टी से? हम लोग चौबे जी को नहीं चाहते हैं, दूसरा कोई आएगा तो उसको सोचा जाएगा उस समय में। हम लोग केंद्र में चाहते हैं बस। केंद्र में किसको चाहते हैं? मोदी जी को। और क्षेत्र में किसको चाहते हैं? क्षेत्र में अब हम लोग चौबे जी को नहीं चाहते हैं अभी फिलहाल में। अब जब जब दूसरा कोई आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन अच्छा है, उसके बाद हम लोग। चेहरा, तीन चेहरा जो काफ़ी मरे लंबे समय से बीजेपी में लगातार जुड़ाव रहा है, जैसे एक आपके लोकल है यहाँ के डॉक्टर मनोज कुमार, एक है मंगल पांडे जी और एक मनोज तिवारी, जो नाम निकल के सामने आ रहा, ऐसे बहुत लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। अब किसको सीट मिलेगी तो बीजेपी का काम है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्षेत्रीय नेता चाहिए या फिर बाहर कोई आए यहाँ पर सांसद बन? नहीं, हम लोग का क्षेत्रीय नेता रहेगा तो अच्छा काम करेगा। हम लोग जब तीन को नाम धर रहे हैं तो उन लोग के क्षेत्र में आने दीजिए, हम लोग देखेंगे कि कैसे हैं लोग हैं, कि उनसे भी कोई अच्छा आ रहा है तो उन लोग हम लोग सपोर्ट करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। आइए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। हैं गुड्डू, क्या चाहते हैं 2024 में फिर केंद्र में मोदी सरकार या सरकार चेंज हो जाए? सरकार चेंज होगा। चेंज होगा? कहाँ है, मोदी जी से नाराज है? हाँ, हम तो गरीब गरीब नाराज ना है। कहाँ है जी, कहाँ है नाराज है? अरे बोलिए ना जी, कहाँ है नाराज है? कहाँ है नाराज है? कहाँ है नाराज है? रोजगार नहीं मिल रहा है? चलिए आ रही है। और देखिए इस तरह से आइए, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। देखिए चाचा है, इनसे बात करते हैं। लगातार 10 वर्षों से बीजेपी के सांसद यहाँ हैं वर्तमान में, बात करो आपसे हम जानना चाहते हैं इस बार क्या चाहते हैं, केंद्र में किसकी सरकार और क्षेत्र में क्या चाहते हैं सांसद महोदय जी को, बदलाव चाहते हैं कि फिर से वही चेहरा चाहते हैं? पहले तो केंद्र की बात करते हैं, क्या फिर एक बार मोदी सरकार? बिहार में लालू को चाहते हैं। हाँ। और केंद्र में? तो वो तो बिहार में लालू को जब चाहेंगे तो विधानसभा की बात हो गई, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के केंद्र में किसको चाहते हैं? केंद्र में जो अच्छा काम करेगा। आपके नज़र में कौन अच्छा काम कर रहा है? अरे तो पहले के तो अटल बिहारी वाजपेयी बढ़िया थे। आज का मोदी जी लोग कर रहे हैं। आपके नज़र में कौन है, लोग क्या कर रहे हो छोड़िए, हमारे नज़र में आपकी नज़र में कौन सही है? हमारे नज़र में सही नहीं है, मोदी जी सही नहीं है। तो फिर उनके उनका विकल्प तो कोई होना चाहिए ना, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, उनके विकल्प में कौन है? अब विपक्ष में जो आएगा उसको चुनेंगे। तो विपक्ष में कोई भी एक नाम बताइए जो आपकी नज़र में हो। अब किसको हम कहें, जो आएगा सामने उसको देखिए। हमारे युवा है राहुल गांधी कर, आइए भाई आपसे भी बात करेंगे, आइए इधर। क्या चाह रहे हैं केंद्र में इस बार फिर से मोदी सरकार, या चाहते हैं आप भी बदलाव? बदलाव चाहते हैं। काहे बदलाव चाहते हैं? मोदी से नाराज? देखिए रेलवे में जो वैकेंसी आया, हम लोग पूरा मेरा स्टूडेंट छात्र संघ पूरा आंदोलन किया, 6000 वैकेंसी था, 6000 से बढ़ाकर 9000 किया गया। जब जब छात्र आंदोलन करेगा तभी होगा। माने मोदी जी को अपने मन क्या लग रहा है? वैकेंसी कम कर रहे हैं, कंपनी भगा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए हम लोगों के लिए ना। अरे मोदी जी उधर सब पीट रहा है कि मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा तो यहाँ इतना लोग है, युवा है सब? सब युवाओं से बात करेंगे। ये सब स्टूडेंट पूछिए कोई इसमें कौन क्या करता है। अच्छा आप क्या करते हैं अभी? हम देखिए पढ़ते हैं। हाँ, किस क्लास में अभी है? हम देखिए बीएससी कर लिए हैं। आपका नाम क्या है? विपुल यादव पढ़ेगा। अच्छा विपुल यादव, तो विपुल यादव जी ये बताइए केंद्र में किसको किसको फिर से नेतृत्व में, किसके हाथ युवा को चाहते हैं? युवा को चाहते हैं। युवा में कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी? हाँ राहुल गांधी। कैसे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन बना था, अब उसको लेकर नीतीश कुमार जी चल रहे थे, नीतीश कुमार जी फिर एक बार आ गए एनडीए के साथ, अब उधर ममता बनर्जी कलकत्ता में बगावत कर दी, उधर कांग्रेस से केजरीवाल बगावत कर रहे हैं, तो एकजुटता तो दिखी नहीं रही है, तो राहुल गांधी कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए ना वो अपने दम पर लड़ने के लिए पूरे इंडिया को
भ्रमण कर रैली रैली पूरा कर रहे हैं कि भाई यहाँ की जनता क्या चाहती है। ये तो हो गई केंद्र की बात। अगर हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, बक्सर लोकसभा की बात करते हैं, 10 वर्षों से लगातार बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे जी हैं। बाबा जी क्या लगता है बाबा जी, इस बार भी बाबा जी को लाइएगा? इस बार हम लोग नहीं चाहते हैं, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बाबा जी को कोई नहीं चाहता है। यहाँ माने जो है सो यहाँ जो विकास किया है पहले सांसद जो विकास किए हैं उनको हम लोग चाहते हैं। किसको? जैसे जगदानंद सिंह है, 2009 में बने थे, उसके बाद 14 में नहीं बने, वो तो बात अलग की है, लेकिन वो काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, प्लांट बैठा है। जगदानंद सिंह से प्रभावित है? हाँ, हम प्रभावित है। अश्विनी चौबे से ज्यादा भारी पड़े? हाँ। आइए देखिए हमारे साथ चाचा है, क्या नाम हुआ चाचा आपका? पहले तो नाम बता। हमारा नाम तो नंद जी सिंह। जैसे अभी हमारे युवा भाई थे वो बोल रहे थे कि एक बार बने थे जगदानंद सिंह 2009 से 2014 तक, जितना वो 5 सालों में विकास कर दिए, 10 सालों में चौबे जी विकास नहीं कर पाए, क्या ये कितना सही और कितना गलत है? ऐसे जगदा बाबू काम किए हैं। हाँ। चौबे जी से भारी पड़े हैं क्या? चौबे जी के ही हम वोटर हैं, है ना? अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किया जिससे जनता की रूठता है, नाराजगी बहुत है। हाँ, इसलिए कि एम्स वगैरह बनाना था तो वोट हम लोगों ने दिया था। तो आप बीजेपी के वोटर हैं मगर काफी नाराज है आपके सांसद से, उनसे पर्सनली? हाँ, मोदी जी से नहीं। मोदी जी से नहीं, नहीं। तो इस बार क्या चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं? नया चेहरा, लोकल का कोई आदमी हो। जैसे 3 नाम जो काफी लंबे समय तक बीजेपी को साथ दिया है, जैसे मंगल पांडे हो गए, मनोज तिवारी हो गए, और आप ही लोग के ये लोकसभा के क्षेत्र के आते हैं, डॉक्टर मनोज कुमार को नहीं, नजदीक को कहिए। तो डॉक्टर मनोज कुमार आपके क्षेत्र के हैं? हाँ, तो नजदीक के रहेंगे ठीक रहेगा, सपोर्ट करेंगे। हाँ। नजदीकी वाले। आइए कुछ और युवा है पढ़ने वाला, देखिए पढ़ने जा ही रहे हैं, बैग लेकर टांगे हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ बाबू आपका? धीरज कुमार। पॉलिटिकल को अच्छे से समझ पाते हैं अभी? हाँ। क्या चाहते हैं केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार या केंद्र में भी बदलाव हो? मोदी जी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं केंद्र में, मोदी जी अच्छे हैं। अगर हम आपके बक्सर लोकसभा की बात करते हैं तो बक्सर में क्या चाहते हैं? 10 वर्षों से लगातार अश्विनी चौबे हैं यहाँ पर, विकास को लेकर आप एक युवा है अच्छे से समझ सकते हैं, क्या लगता है इस बार नया चेहरा या फिर से चौबे जी? रणनीति जी इसी को, लेकिन शिक्षा में थोड़ा डिफरेंट किया जाएगा, ताकि बीपीएससी में देखिए लड़कों को जो है 85 नंबर का जो कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा है, और जो लड़कियों का है सीधे 40 नंबर का है, तो ये थोड़ा ऐसा इसमें बदलाव किया जाए। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं कट ऑफ थोड़ा कम हो, लड़कियों की तो हमेशा कम रहती है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी जो है। हाँ, लेकिन लड़कों का इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, पिछले बार 60 था, अब हो गया 85, तो इसमें दिक्कत है ना। चलिए, तो यहाँ की जनता से जाने, जनता का राय जानने के लिए हम निकल चुके हैं और 40वीं लोकसभा में पहुँचेंगे और जनता का राय जानेंगे कि वहाँ के सांसद महोदय का जो कार्यकाल है 5 सालों से लगातार, जो 10 सालों से है, क्या विकास में अपनी पहचान जनता के पीछे छोड़े हैं या जनता उनसे नाखुश है। अभी हम बक्सर लोकसभा में और दिनारा विधानसभा में मौजूद है, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की जनता की क्या राय है आपको सुनवाया। इसी तरह बक्सर के 6 विधानसभा में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि चौबे जी से कितना लोग नाखुश है और कितना खुश है। फिलहाल इस ओपिनियन में इतना ही रहने दीजिए, दीजिए हमें इजाजत, कैमरामैन दीपक के साथ नमस्कार।